देश का हर बच्चा भगवद गीता को पढ़े, अपने जीवन में उतारे, क्योंकि ये प्रोग्राम है गीता इन लाउड लगाइए, कम ऑन, गीता इन, गीता को एक्शन में कैसे उतारें, जीवन में कैसे उतारें, दैट्स द मेन पार्ट। कृष्ण कहते हैं अर्जुन तुम्हारे मन में यह कलमश कहां से आ गया? ये उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता हो। इस उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। इससे उच्च लोक यानी कि स्वर्ग नहीं मिलेगा आपको, अपयश यानी कि बदनामी मिलेगी। क्या मिलेगी? ध्यान से देखो भगवान करना क्या चाह रहे हैं। भगवान बता रहे हैं ये करने से अनार्यम अस्वर्गम अकीर्ति, तुम्हारे अंदर वैल्यूज खत्म, स्वर्ग नहीं मिलेगा, इज्जत भी चली जाएगी तुम्हारी, लोग क्या कहेंगे, ये कैसा क्षत्रिय डर के भाग गया, कायर कहीं का। Are you with me? Yes, sir. क्या बोलते हैं आगे? वो मुद्दा क्या है, भगवान ना अर्जुन कहां से काम कर रहा है? अर्जुन चर्चा कर रहा है नीचे के लेवल से, पैसा घर प्रॉपर्टी, भगवान बात कर रहे हैं ऊपर के लेवल से, मान सम्मान इज्जत। क्या मेरी बात समझ आ रही है? Yes, भगवान ने पैराडाइम चेंज कर दिया, बैटल ग्राउंड चेंज कर दिया, मानसिकता बदल दी, स्टेज ही एलिवेट कर दिया पूरा। भगवान ने कहा यह सम्मान बहुत बड़ी चीज है अर्जुन, ऐसा ना हो। देखो सम्मान ऐसी चीज है जिसका अपमान का डर आदमी को जिंदगी भर रहता है, अपमान एक ऐसी चीज का डर जिंदगी भर रहता है। बच्चों की परवरिश में भी आपको डर लगता है बच्चे बिगड़ ना जाएं, लेकिन कब तक लगता है? जब तक बच्चे बड़े हो जाते हैं, उसके बाद डर लगना बंद हो जाता है। नौकरी खो जाने का डर भी आपको रहता है कि नौकरी चली ना जाए, लेकिन वो भी तभी तक रहता है जब तक आप रिटायर ना हो जाए, रिटायर होने के बाद आपको नौकरी खोने का डर भी नहीं लगता है। ये पत्नी मेरे लिए ठीक होगी कि नहीं होगी, उसका डर भी आपको शादी होने तक ही लगता है, शादी होने के बाद वो डर भी खत्म हो जाता है, ठीक है कि नहीं है, जो भी है यही है। हर एक डर की एक आयु होती है, हर डर की एक आयु होती है, उसी तभी तक डर लगेगा, उसके बाद वो डर नहीं लगेगा। लेकिन अपमान बेइज्जती ये ऐसा डर है जिसकी कोई आयु नहीं है। ऐसा नहीं कि आपके बच्चे बड़े हो गए, आप रिटायर हो गए, धन पैसा कमा लिया और उसके बाद सब सारे डर खत्म, सब कुछ कंप्लीट कर लिया, अब आप बोलो आप मेरी इज्जत चली जाए मुझे कोई डर नहीं। क्या बोलते हो पैसा? नहीं, इज्जत एक ऐसी चीज है जिसकी आयु नहीं है कोई, जिंदगी के एंड तक सबको इज्जत बना के रखनी है। आज इज्जत खोने के डर से आदमी बहुत सारी चीजें सीक्रेटली करता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, किसी को पता ना लग जाए। इसीलिए जब वो डेटिंग ऐप पे भी जाता है तो गलत फोटो लगाता है, गलत नाम लिख जाता, पूरा नाम नहीं लिखता डेटिंग ऐप पे, लेफ्ट स्वाइप राइट स्वाइप। ये जितने हंस रहे हैं सबने अपना अपना प्रोफाइल बनाया हुआ है। अगर प्री मैरिज प्रेगनेंसी हो जाती है तो कितना डर लगता है, छुपाता है व्यक्ति। टैक्स इवेजन, काला धन, आदमी डर के मारे छुपाता है हर चीज को। अगर उसको रेड लाइट एरिया से भी निकलना पड़ता है तो दो मास्क लगा लेता है, करना कुछ नहीं लेकिन उधर से जाने में दिक्कत होती है, है कि नहीं? तो ये डर हमेशा रहता है। चाणक्य पंडित के अनुसार बदनामी का डर सबसे बड़ा भय होता है और यह इंसान को पूरी तरह तहस नहस कर देता है। और इनफैक्ट आप हैरान हो जाएंगे, केवल 2019 एक साल में ही खाप पंचायत और ऑनर किलिंग के 145 मर्डर्स, रिपोर्टेड मर्डर्स हमारे देश में हुए थे। क्यों? इज्जत के लिए अपने बच्चों की हत्या कर दी। क्यों? सबसे ज्यादा केसेस वर इन हरियाणा एंड यूपी, इज्जत के लिए। क्या मेरी बात समझ आ रही? Yes. और बहुत सारे केस रिपोर्ट ही नहीं होते, बेटी बिगड़ गई, रात को मार दिया उसको, सोते सोते मार दिया, सुबह 8 बजे ही जाकर के उसका दाह संस्कार कर दिया परिवार के 10 लोगों ने। एक बार दाह संस्कार हो गया, क्या पता चलेगा किस लिए मरी, कैसे मरी।